हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं वंदना प्रधान आज आप लोगों के लिए गर्मियों में और व्रत में पीने वाली शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी बेल की शरबत। इसे आप ऐसे ही और व्रत में भी पी सकते हैं। यह आपको ठंडक के साथ साथ ताकत भी देती है और हेल्दी भी होती है और पसंद भी आती है सबको। अब जल्दी से झटपट से बन भी जाती है। आप इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें और ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इस शरबत को हम बनाना शुरू करते हैं। ये शरबत बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पहले तो हम इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक बेल, पानी, चीनी, दही, ग्रेटर नारियल, क्रस्ट काला मिर्च पाउडर, 2 केला। पहले हम एक बर्तन लेकर पहले तो पका हुआ बेल लेंगे, उसे बेलन की मदद से तोड़ देंगे और उसके बाद हम उसका पल्प को ऐसे चम्मच के मदद से उसका गुड्डा को हम निकालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसका सारा जो गुड्डा है हम उस बर्तन में निकाल देंगे। उसका बीज, उसके अंदर बीज है वो बहुत कड़वा होता है, अगर वो शरबत में चला जाएगा तो वो शरबत ख़राब हो जाएगा, बहुत कड़वा लगेगा। इसलिए हम इसका सारा गुड्डे को निकाल कर फिर से हम इसे छानेंगे, छान कर इसका रस को निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से इसका सारा गुड्डा को निकाल कर इकट्ठा कर रही हूँ एक बर्तन पर। देखिए ये हमारा सारा गुड्डा निकल गया है। अब हम फिर दूसरा बर्तन लेकर और छन्नी की मदद से इसमें पानी डालकर हाथ में मसल कर इसका सारा रस जो है हम बर्तन में अलग कर देंगे। देखिए मैं यहाँ पर हाथ से ऐसे मसल कर इसका सारा रस को निकाल रही हूँ। देखिए ये हमारा सारा बेल का सारा रस निकल चुका है। अब हम इसे शरबत बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी मैं यहाँ पर 5 चम्मच ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी ले लीजिएगा। फिर हम इसमें दही मिलाएंगे। ज़्यादा खट्टा वाला दही नहीं लेंगे, मैं यहाँ पर 3 चम्मच दही ले रही हूँ। फिर हम इसमें नारियल मिलाएंगे। पूरा नारियल नहीं डालेंगे, आखिर में गार्निशिंग के लिए भी थोड़ा रख लेंगे। फिर हम इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। उसमें फिर हम डालेंगे केले। केले को भी इसे मसल कर हाथ से मिलाएंगे। उसके बाद अब सबसे आखिर में हम डालेंगे काला मिर्च का पाउडर। सारा काला मिर्च का पाउडर डाल देंगे इसमें। फिर हम इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे और देखिए ये हमारा शरबत बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे सर्व करते हैं। पहले एक ग्लास में 4 से 5 आइस क्यूब लेंगे। फिर इसमें शरबत को डालेंगे और इसे गार्निश करेंगे। तो गार्निश के लिए पहले हम उसके ऊपर नारियल डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसके ऊपर काजू लेंगे। इसको और थोड़ा टेस्टी और कलरफुल बनाने के लिए हम सबसे आखिर में और लास्ट सामान डालेंगे, वो है टूटी फूटी। देखिए अब ये हमारा बेल का शरबत जो है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस शरबत को ज़रूर घर पर ट्राई करें और ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नई रेसिपी की वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।